मैं दो तीन साल तक लसून का चावल था चाटने के चक्कर में नहीं आ पाया। कौशल पर हमला उसका वोट और नाम पर हुआ बैठ रहा। बुच्चा भैया ने मदन पर लगाया प्रतिबंध, भवन करवा जाने पर हो। मोटापा कम नहीं होने पर संजीव कुमार की पत्नी ने दिया मायके जाने की धमकी। प्रभु का आम व्यापार में घाटा रोसड़ा भागा। शादी नहीं होने से नवेश सहित शंभु बाबा की शरण में। बिहार में शराबबंदी के खबर से चतुरी कोमा में। अब समाचार विस्तार से। अपने बारे में तो सब मंदासर का बेटा जीतन ने कौशल पर किया जानलेवा हमला, जिससे कौशल का नाम और रोड बुरी तरह से फूल कर घटरा हो गया है। कौशल का इलाज तीन डॉक्टरों की टीम कर रही है, जिसमें डॉक्टर नागेश्वर, डॉक्टर मुकेश कुमार सोना एवं सहायिका के रूप में एएनएम रेखा है। एएनएम रेखा का कहना है कि कौशल का दिमागी हालत खराब रहने के कारण उसका नाक और होंठ फूल गया है। राजकुमार मंडल और पूजा भैया ने मदन को पवन गावा जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिससे मदन का शादी नहीं हो रहा है। मदन का कहना है कि राजकुमार मंडल का कहना है कि मदन और दीपक रामदास और सुतारू दोनों एक साथ मिलकर पवन गावा जा रहा है और दोनों मेरी साली के साथ शादी करना चाहता है, लेकिन मेरी साली पवन गावा में ही शादी करना चाहती है। इधर शादी कराने वाले को मदन और दीपक अलग अलग इनामों की घोषणा का लालच दे रहे हैं। मदन ने कहा जो भी मेरी शादी करा देगा उसको 10 साल तक उल्टा हवाई चप्पल पहनने को देंगे। दीपक रामदास ने शादी कराने वाले को एक साल तक एयरटेल का फ्री रिचार्ज देने का वादा किया है। इन दोनों का शादी कराने का चैलेंज श्री निरंजन साहब और प्रभाकर साहब ने स्वीकार कर लिया है। युवाओं में बहुप्रचलित बीमारी माथा का बाल जमीन पर गिरने का सरसिया इलाज डॉक्टर विनय मंडल और डॉक्टर प्रदीप मंडल ने। अरे ससुरों को छोड़ देते हो, इलाज कर रहे हैं लेकिन परिणाम निराशाजनक है। इसका साइड इफेक्ट ये हुआ कि संजीव कुमार मोटापा का शिकार हो गए हैं। मोटापा का इलाज कराने संजीव कुमार मास्टर उपेंद्र के पास गया है। इधर मिसेज ज्योति देवी का कहना है कि अगर मोटापा दो दिन में कम नहीं हुआ तो 11 तारीख को मैं चली जाऊंगी। पिछले साल आए जबरदस्त आंधी में प्रभाकर शाह का बगीचा का क्षतिग्रस्त हो गया है। प्रभु को व्यापार में ये तो ससुरों को नहीं छोड़ा। प्रभु का मानसिक स्थिति बिगड़ गया है, उसे इलाज के लिए मिस्टर अजीत कुमार रोसड़ा लेकर चले गए हैं। नवेश वैश का साथी समय पर नहीं होने से नवेश शंभू बाबा के शरण में गया। शंभू बाबा का मानना है कि नवेश शादी तब तक नहीं होगा जब तक पानी चौक पर ध्यान करना बंद कर दे। बिहार में शराबबंदी का खबर सुनते ही चतुरी कोमा में चला गया, लेकिन दारू का छीटा देने पर उसे होश आया। होश आने पर उसने सीधा संपर्क बेलू पासवान से साधा ताकि समय पर दारू का सप्लाई मिल सके। इस मिशन में चतुरी का साथ जयकांत यादव और गौरे रामदास दे रहे हैं। अब मौसम समाचार। इस साल पानी नहीं पड़ने के कारण रमला जंगल में बाढ़ आ गई, जिससे मछली भोला बाबा के शरण में आ गया। बाढ़ के कारण रिकॉर्डिंग के आते जैसे बाढ़ को मिला समाचार समाप्त।